आप एग्जाम में टू टू थ्री क्वेश्चंस को डायरेक्टली मार्क कर, कर आ जाओगे और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आपकी प्रिपरेशन के लिए हमने रिसर्च मेथडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लॉन्च करा है जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स नोट्स मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं तो मैं आपको गारंटी देती हूँ अगर आप हमारा ये स्टडी मटेरियल फॉलो करोगे तो आप इजिली आपके पीएचए एंट्रेंस टेस्ट को क्रैक कर पाओगे ये मैं आपको अगेन गारंटी के साथ बोलूंगी क्योंकि कई स्टूडेंट्स ने हमारे इस रिसर्च मैथडोलॉजी के कोर्स को परचेस कर कर उनका पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करा था और उनका ये भी हमें फीडबैक आया कि उनको उनके एग्जाम में डायरेक्टली इसी कंटेंट से क्वेश्चन पूछे गए थे सो हरी अप एंड ग्रैप दिस अपॉर्चुनिटी सो हमारे इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप पर दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही कॉन्टेक्ट करना है याद रखिएगा व्हाट्सएप के थ्रू ही आपको हमें कांटेक्ट करना है नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा और आप हमारे डिस्क्रिप्शन uh, बॉक्स में एज वेल एज कॉमेंट सेक्शन में भी हमने आपको लिंक प्रोवाइड कर रखा है हमारे ऐप की डायरेक्टली उस पर जाकर आप वन क्लिक में ही आपके डी ए डीई टी के आप कंटेंट uh, को एक्सेस कर सकते हो सो लेट्स बिगिन वीडियो हमारे इस रिसर्च मैथडोलॉजी के कोर्स में हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स नोट टेन फुलेबस मॉकटेस्ट थाउजेंड प्लस प्रैक्टिस एमसी पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे इन बोध लैंग्वेज हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश सो हमारा जो ये रिसर्च मैथेडोलॉजी का कंटेंट है ये हमने हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर और जो एक्चुअल मेथोडोलॉजी के कवर करे हैं तो, आप आप तो आपको कुछ इस तरीके से हमारे रिसोर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट में आपको प्रिपरेशन करना है कि आपको हमारे जो नोट्स है और जो मोकटेस इसको एक वीक में कवर कर लेना है और ये जो थाउजेंड प्लस एमसीक्यूज पीडीएफ है थाउजेंड प्लस एमसीक्यूस पीडीएफ ये आपके एज अ जन के तौर पर यूज कर सकते हो आप आपके एग्जाम के एक दिन पहले और अगर आप आपके एग्जाम के इवन फोर टू फाइव आवर्स पहले भी इसको एक बार रीड कर, कर चले जाओगे तो आप एग्जाम में इजिली क्वेश्चन को मार्क कर, कर आ जाओगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि हमारे इसी रिसर्च मेथडोलॉजी के कंटेंट से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं हमारे जो बैच के स्टूडेंट्स हैं उन कई स्टूडेंट्स का फीडबैक है कि उनको हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट से डायरेक्टली एग्जाम में टेन टू ट्वेल्व क्वेश्चन पूछे गए थे So, हमारे इस स्टडी मटेरियल को परचेस करने के लिए आपको इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करना है याद रख के आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही हमें कांटेक्ट करना है और आप अगर मैसेज करते हो मैसेज करने के विद इन फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स में आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे और आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो जो कि है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप So, इस ऐप आप पर आपको एक मंथ की वैलिडिटी मिलेगी और अगर आप ऐप पर जाते हो तो आपको डायरेक्टली वहां पर सारा कंटेंट इजिली अवेलेबल हो जाएगा और ऐप को डाउनलोड करने के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है सो so, वहां से आप हमारे ऐप को एक्सेस कर सकते हो एंड लेट्स बिगिन विदीडियो पहला प्रश्न अनुसंधान का सर्वोत्तम अर्थ है द बेस्ट मीनिंग ऑफ रिसर्च इज इस प्रश्न में हमें पता लगाना है कि अनुसंधान का अर्थ क्या होगा यानी अनुसंधान की परिभाषा क्या होगी सो so, इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि रिसर्च का मीनिंग क्या होगा या फिर रिसर्च की डेफिनेशन क्या होगी तो so, जैसे कि हम रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ रहे हैं यानी अनुसंधान क्रियाविधि पढ़ रहे हैं तो so हमें पता होना चाहिए कि अनुसंधान का मतलब क्या होता है सो so, पहले हम इस प्रश्न में देखेंगे कि अनुसंधान का मीनिंग क्या होगा और अनुसंधान का अर्थ क्या होता है तो so, हम एक एक करकर कर सारे विकल्पों को देखेंगे और पता लगाएंगे कि इस प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या होगा तो so, पहले हम ऑप्शन सी देखेंगे ऑप्शन सी सर्च फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ्स ऑफ लाइफ जीवन के सार्वभौमिक सत्य को खोज करना तो so, यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रुथ्स ऑफ लाइफ को हम सर्च कर रहे हैं सो so, इसे हम कहते हैं स्पिरिचुअलिटी अब स्पिरिचुअलिटी क्या होती है आपको यह पता होना चाहिए जैसे हम जीवन में इस जीवन में क्यों आए हैं हम हमारी मृत्यु होने के बाद हम कहा जाएंगे ओके okay, हम इस वर्ल्ड में क्यों आए हैं so, हम कहते हैं स्पिरिचुअलिटी जो कि यूनिवर्सल है यानी आपके वर्ल्ड से रिलेटेड कुछ ट्रूथ्स है सो so, ये स्पिरिचुअलिटी हो जाती है अब स्पिरिचुअलिटी को सर्च करना ये हम उसे रिसर्च नहीं कहेंगे यानी जीवन के जो सार्वभौमिक सत्य है उसकी खोज करने को हम अनुसंधान नहीं कहते हैं So, आपका यहाँ पर ऑप्शन सी और विकल्प सी इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा उसी तरीके से ऑप्शन बी अराइविंग एंड जनरलाइजेशन बेस्ड ऑन ऑब्जर्व डेटा सो इस स्टेप को हम कहते हैं डेटा एनालिसिस यानी आपके जो डेटा होता है उसकी आप विश्लेषण करते हो डेटा का विश्लेषण करना ये आपके रिसर्च प्रोसेस का एक स्टेप होता है यानी आपकी जो रिसर्च है उसकी क्रियाविधि का एक स्टेप होता है जिसे हम कहते हैं डेटा एनालिसिस अब रिसर्च की जो क्रियाविधि होती है अनुसंधान की जो क्रियाविधि होती है उसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और हम आगे आने वाले सारे जो लेक्चर्स होंगे उसमें देखेंगे कि रिसर्च प्रोसेस क्या होता है सो डेटा एनालिसिस आपके रिसर्च प्रोसेस का एक पार्ट होता है सो so, रिसर्च में आप डेटा कलेक्ट करते हो देन उस डेटा को आप एनालाइज करते हो उस डेटा को ऑब्जर्व करते हो एंड आपको जो भी रिजल्ट मिलता है इसको आप जनरलाइजेशन करते हो तो उसी को हम कहते हैं डेटा एनालिसिस दिया गया है यानी आपकी एक अनुसंधान की क्रियाविधि है सो तो अनुसंधान की क्रियाविधि को अनुसंधान का मीनिंग नहीं कहेंगे अनुसंधान का अर्थ नहीं कहेंगे यानी यहाँ पर जो आपका विकल्प भी दिया गया है देखे गए डेटा के आधार पर सामान्यकरण पर पहुंचना यह प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा तरीके से ऑप्शन ए एडोप्शन ऑफ साइंटिफिक मेथड फॉर क्रिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज यस ये आपके हो जाएगी रिसर्च की करेक्ट मीनिंग और करेक्ट डेफिनेशन यानी ज्ञान के सृजन और अनुप्रयोग के लिए वैज्ञानिक पद्धति की अपनाना यानी यहाँ पर आप क्या कर रहे हो साइंटिफिक मेथड यूज कर रहे हो तो याद रखिएगा जब भी आप रिसर्च का मीनिंग देखोगे रिसर्च की डेफिनेशन देखोगे आप, आपके अनुसंधान की जब भी उसका अर्थ देखोगे उसकी परिभाषा देखोगे इसमें यहाँ पर एक वर्ड जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है साइंटिफिक यानी आपके वैज्ञानिक वैज्ञानिक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होगा यह शब्द आपके अनुसंधान की डेफिनेशन यानी परिभाषा और अनुसंधान के अर्थ में अब साइंटिफिक मेथड क्या होता है आप जब भी रिसर्च स्टार्ट करते हो रिसर्च में जो भी प्रोसेस होते हैं रिसर्च में आप जो भी मेथड यूज करोगे उस मेथड के पीछे आपका कुछ ना कुछ लॉजिक होना, होना चाहिए साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का आपको यूज करना चाहिए सो ये होता है रिसर्च की बेस्ट डेफिनेशन जिसमें हम साइंटिफिक मेथड को अडोप्ट करते हैं यानी साइंटिफिक मेथड का बेसिकली हम यूज करते हैं देन हमें दिया गया है नेक्स्ट पार्ट दिया गया है इस डेफिनेशन का फॉर क्रिएशन एंड ऑफ नॉलेज पर हम क्या करते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल हम फंडामेंटल रिसर्च में ज्ञान को क्रिएट करते नॉलेज को क्रिएट करते रिसर्च फंडामेंटल रिसर्च होती है आपकी उस मौलिक जो अनुसंधान होती है उसमें अपने ज्ञान का यूज करते अपने ज्ञान का अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं ताकि उनको और चीजों को इजीली समझ में आ जाए जो भी फेनोमेना कर हो रहा है तो so, यहाँ पर बेसिकली रिसर्च में रिसर्च अपने नॉलेज को क्रिएट करते हैं नॉलेज को बढ़ाते हैं और उसी नॉलेज का एप्लीकेशन जो होता है जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी एप्लीकेशन होगा उसका यूज करते हैं अब जैसे मान लीजिए कोविड डिसीज कोविड डिसीज ये हमारे लिए बहुत फेमस डिसीज है हर एक पर्सन को पता होगा कि कोविड डिसीज क्या थी तो कोविड डिसीज ये अब इस डिसीज के अगेंस्ट जो रिसर्चर है जो आपके शोध करता है उन्होंने वैक्सीन बनाई ड्रग्स बनाए तो यहाँ पर जो कोविड डिसीज है ये हमारे लिए एक समस्या थी ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम थी इस समस्या का हल निकाला रिसर्चर्स ने जिससे कि हम वैक्सीन कहते हैं अब वैक्सीन लेने से कोविड क्योर हो रहा है तो पर आप कह सकते हो कोविड ये हमारी एक समस्या थी प्रॉब्लम था ने इसके अगेंस्ट नॉलेज क्रिएट करी यानी अपने ज्ञान लिया ने कोविड क्या होता है उसके बारे में जाना एंड देन उसी ज्ञान को रिसर्चर ने यूज कर कर उसका हल निकाला जो कि वैक्सीन बनाए तो इस तरीके से रिसर्च की डेफिनेशन होती है जिसमें रिसर्च में आप साइंटिफिक मेथड यूज करते हो और मतलब वैज्ञानिक यूज करते हो और आप उसमें नॉलेज को क्रिएट करते हो ज्ञान को क्रिएट करते हो और उसका प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते हो सो so, इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए सो so, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट इस प्रश्न में हमें पता लगाना है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो सही नहीं है यानी इस प्रश्न का वो सही उत्तर नहीं होगा मतलब इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो इस क्वेश्चन का आपके सही आंसर नहीं होगा या फिर करेक्ट आंसर नहीं होगा सो so, हम अगेन एक एक कर सारे विकल्पों को देखेंगे और सारे ऑप्शंस को देखेंगे और पता लगाएंगे कि इस प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या होगा तो so, पहले हम ऑप्शन ए देखेंगे एनी पर्सन कैन डू रिसर्च यानी कोई भी व्यक्ति शोध कर सकता है सो so, यस yes, यहाँ पर जो आपको ऑप्शन ए आपको दिया गया है विकल्प ए दिया गया है ये सही है कोई भी व्यक्ति हो वो शोध कर सकता है यानी कोई भी पर्सन हो वो रिसर्च कर सकता है जैसे मान लीजिए कोई टीचर है कोई इंजीनियर है कोई स्टूडेंट है कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है हर एक पर्सन रिसर्च कर सकता है हर एक व्यक्ति शोध कर सकता है जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई टीचर है टीचर क्लास में बच्चों को कोई पार्ट समझा रही है अब बच्चे वो उस पार्ट को समझ नहीं पा रहे हैं सो टीचर क्या कर लेगी टीचर अपना टीचिंग मेथड चेंज कर लेंगी मेथड को टीचर चेंज कर लेंगे उस मेथड को चेंज करने के बाद बच्चे उस कॉन्सेप्ट को उस पार्ट को इजिली समझ पाएंगे तो so, यहाँ पर टीचर ने क्या, क्या? टीचर क्या टीचर किया टीचर ने यहाँ पर रिसर्च परफॉर्म किया टीचर ने यहाँ पर शोध किया तो कोई भी शोध कर सकता है चाहे कोई भी व्यक्ति हो जैसे टीचर इंजीनियरिंग कोई इंजीनियर है कोई वकील है कोई डॉक्टर है हर एक पर्सन हर एक व्यक्ति शोध कर सकता है सो so, यहाँ पर जो आपका विकल्प ए दिया गया है ये सही होगा उसी तरीके से विकल्प बी रिसर्च में भी विदाउट अ हाइपोथेसिस यानी अनुसंधानिक परिकल्पना के बिना हो सकता है यस yes, कुछ आ, प, कुछ अनुसंधान ऐसे होते हैं जो परिकल्पना के बिना हो सकते हैं अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यानी वर्णात्मक शोध ये जो रिसर्च होती है इस शोध में और इस रिसर्च में आपको हाइपोथेसिस की कोई जरूरत नहीं होती आप हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना के बिना भी आपकी रिसर्च परफॉर्म कर सकते हैं अब हाइपोथेसिस क्या होता है ये आपके लिए एक नया टर्म आ गया एक नया शब्द है आपके लिए हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना अब हाइपोथेसिस क्या होती है याद रखिएगा हाइपोथेसिस जिसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है टेंटेटिव का मतलब है कुछ समय के लिए हम मान लेते हैं ऐसा करने से ऐसा हो सकता है यानी जो रिसर्चर्स है जो शोध करता है वो अपने अनुभव वो कुछ अपने भविष्यवाणी करते हैं आपके नॉलेज के बेसिस पर सो याद रखिएगा हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना उसे कहते हैं जिसे हम कुछ समय के लिए मान लेते हैं यानी रिसर्चर्स जो है बेसिकली यहाँ पर भविष्यवाणी करते हैं अपने नॉलेज के बेसिस पर उनको जो भी ज्ञान होता है उसके बेसिस पर कुछ भविष्यवाणी करते हैं ऐसा करने से ऐसा हो सकता है और कुछ समय के लिए मान लेते हैं और उसी को अपने रिसर्च में टेस्ट करते हैं अब जैसे मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इसे हम कहते हैं वर्णात्मक शोध सो तो एक टाइप की रिसर्च होती है इसे भी हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है जिसमें आपके पास फेनोमिना ऑलरेडी प्रेजेंट होता है ऑलरेडी आपके पास इन्फॉर्मेशन होती है आपको बस उसको एनालाइज कर कर इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर कर उसको एज एज इट इट इज इज याद डिस्क्राइब करना होता है सो तो यहाँ पर आपको हाइपोथेसिस की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप यहाँ पर कोई टेस्ट नहीं कर रहे हो आपको जो दिया गया है उसी का आप विश्लेषण करके उसको बता रहे हो हु तो पर रिसर्च जो होती है कुछ कुछ रिसर्च कुछ कुछ अनुसंधान बिना परिकल्पना के हो सकती है सो so, यह भी हमें जो ऑप्शन यहाँ पर बी दिया गया है यह भी सही होगा उसी तरीके से ऑप्शन सी रिसर्च इज नॉट ऑलवेज सिस्टमैटिक यानी आपकी रिसर्च हमेशा सिस्टमैटिक नहीं होगी यानी अनुसंधान हमेशा व्यवस्थित नहीं होगी सो so, ये बिल्कुल ये जो स्टेटमेंट आपको दिया है ये गलत स्टेटमेंट दिया गया है और और इस प्रश्न में भी हमें यही पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है यानी कौन सा विकल्प सही नहीं है कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है तो so, पर जो आपको ऑप्शन सी दिया गया है ये करेक्ट नहीं है सो so, यहाँ पर ऑप्शन सी इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा अब ऑप्शन सी क्या बता रहा है कि रिसर्च जो होती है आपकी ऑलवेज नहीं होती यानी अनुसंधान हमेशा आपकी व्यवस्थित नहीं होती है सो so, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है अनुसंधान जो आपकी होती है वो हमेशा व्यवस्थित होती है यानी हमेशा ऑलवेज वो सिस्टमैटिक होती है सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है जिसमें आप पर्टिकुलर कोई स्टेप फॉलो कर रहे हैं कुछ स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं यानी अगर मैं एक स्टेप के बेसिस पर जाऊंगी यानी मैं फर्स्ट स्टेप परफॉर्म कर रही हूँ तो उसके बाद मुझे सेकेंड देन थर्ड एक स्टेप फॉलो करना होता उसी वे में मुझे रिसर्च परफॉर्म करनी होती है उसी वे में मुझे अनुसंधान करना होता है मैं किसी भी तरीके से ऐसा नहीं जा सकती मैनर में मैं नहीं जा सकती यानी मैंने एक मेथड यूज करा फिर मैं डायरेक्ट थर्ड मेथड पे जाऊंगी ऐसा नहीं हो सकता है अनुसंधान यानी आपकी जो रिसर्च होती है हमेशा व्यवस्थित होती है सिस्टमैटिक होती है आप एक स्ट्रक्चर फॉलो करते स्टेप्स फॉलो करते स्टेप बाय स्टेप आपकी रिसर्च को परफॉर्म करते हो क्योंकि आपकी जो रिसर्च होती है वो वन और टू मंथ की नहीं होती है आपको उसके लिए थ्री इयर्स टू सिक्स इयर्स देना पड़ता है यानी थ्री तीन से छह साल के तक आप रिसर्च करते हो तो इसीलिए रिसर्च को सिस्टमैटिक मैनर में करना होता है ना कि आपको कैसे भी आप नहीं कर सकते हो में आपको कुछ स्टेप्स परफॉर्म करने होते हैं सो तो याद रखिएगा रिसर्च रिसर्च इज ऑलवेज ऑलवेज और मस्ट बी सिस्टमैटिक यानी अनुसंधान आपकी हमेशा व्यवस्थित होनी ही चाहिए तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी क्योंकि यहाँ पर जो आपको ऑप्शन सी दिया गया है ये सही विकल्प नहीं है अगला प्रश्न अनुसंधान का संबंध किससे है रिसर्च इज रिलेटेड विथ इस प्रश्न में हमें पता लगाना है कि अनुसंधान का संबंध किस ऑप्शन से है यानी किस विकल्प से है यानी रिसर्च किस ऑप्शन से रिलेटेड है और लिंक्ड है यानी हमें इस प्रश्न में बेसिकली ये बताना है कि रिसर्च में हम क्या क्या करते हैं यानी अनुसंधान में हम क्या क्या परफॉर्म करते हैं अनुसंधान में हम बेसिकली क्या करते हैं सो so हम अगेन एक एक कर सारे विकल्पों को देखेंगे और पता लगाएंगे कि इस प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या होगा सो so यहाँ पर ऑप्शन ई डिस्कवरी ऑफ न्यू आइडिया यानी नए विचार की खोज तो यस रिसर्च में अनुसंधान में हम जो नए नए विचार आते हैं उनको खोज करते हैं न्यू न्यू डिस्कवर करते हैं अब न्यू आइडियाज को कैसे डिस्कवर करोगे अब जैसे मान लीजिए कोई आप किसी टेक्नोलॉजी है टेक्नोलॉजी की बेसिस पर आप क्या कर रहे हो नई चीजें निकाल रहे हो जैसे पहले टेक्नोलॉजी के बेसिस पर आपके कंप्यूटर्स आए कंप्यूटर्स से लैपटॉप आए लैपटॉप से फोन्स टैब तो ये सारे क्या थी ये डिस्कवरीज थी एक कुछ हमें कुछ थोड़ा सा नॉलेज आ गया उसके बेसिस पर हमने नई नई आइडियाज को खोज करा नई नए विचारों की खोज की हमने नए नए आइडियाज़ को डिस्कवर किया यानी टेक्नोलॉजीज़ बेसिस नएडिया कर आपके रिसर्च में रिसर्च इस चीज से ही रिलेटेड होता है रिसर्च का मतलब क्या होता है कुछ नया निकालना रिसर्च यानी अनुसंधान अनुसंधान किसका संबंध होता है बेसिकली अनुसंधान का अगर आप मीनिंग देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि हम कुछ नई नई चीज को डिस्कवर करते हैं जिस तरीके से आपकी मौलिक अनुसंधान जो होती है यानी आपकी फंडामेंटल रिसर्च जो होती है उसमें आप क्या करते हो उसमें आप नई नई चीजों को तो ही डिस्कवर करते हो न्यू आइडियाज न्यू थ्योरी न्यू कॉन्सेप्ट को आप डेवलप करते हो डिस्कवर करते हो तो so आपका इस प्रश्न का ऑप्शन है सही हो जाएगा क्योंकि रिसर्च इससे रिलेटेड होती है देन उसी तरीके से ऑप्शन भी सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम यानी एक समस्या का आप समाधान निकाल रहे हो किसी भी समस्या का आप समाधान निकाल रहे हो जैसे वो समस्या सामाजिक भी हो सकती है कोई मेडिकल समस्या भी हो सकती है, मेडिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है जैसे मान लीजिए समाज है समाज में बहुत ज्यादा गरीबी बढ़ रही है यानी पॉवर्टी ज्यादा हो रही है पॉवर्टी जो ज्यादा हो, हो रही है समाज में उस पॉवर्टी को हमको किस तरीके से डिक्रीज करना है को को, किस तरीके से हमें समाज में कम करना है so, ये एक हो ये एक सामाजिक सामाजिक प्रॉब्लम समस्या उसका हम समाधान निकालते हैं रिसर्च में ही उसी तरीके से मान लो कुछ प्रॉब्लम आ गई जैसे बहुत फेमस है अगेन कोविड डिसीज कोविड आ गया कोविड डिसीज आ गई तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम तो थी कोविड क्या थी हमारे लिए एक प्रॉब्लम थी ये ऑल ओवर वर्ल्ड में एक प्रॉब्लम थी इसी प्रॉब्लम को समस्या का समाधान किस वजह से निकला रिसर्च की वजह से क्योंकि हमने रिसर्च में नए नए नॉलेज का खोज किया ज्ञानों का खोज करा देन उस ज्ञान का हमने अपनी सामाजिक समस्या का समाधान करने में यूज करा सो यहाँ पर सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम ये भी आपके रिसर्च से रिलेटेड है यानी किसी भी समस्या का समाधान हम किस में निकालते हैं सिर्फ और सिर्फ अनुसंधान में सो so, अनुसंधान किसी समस्या का समाधान निकालने में बहुत मदद करती है सो so, पर आपका विकल्प भी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उसी तरीके से ऑप्शन सी इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ प्रॉब्लम यानी एक समस्या की जांच करना किसी भी समस्या आ गई कोई समस्या आ गई मान लो ये कोविड ही कोविड पहले कोविड तो किसी को पता नहीं था जब ये न्यू न्यू आया था जब कोविड न्यू आया था तो रिसर्चर ने यानी शोधकर्ता जो रिसर्च कर रहे हैं उन्होंने इसकी जांच की बेसिकली ये डिसीज हो, होती क्या है ये किस वजह से ह्यूमन बॉडी में आ गई है किस वजह से हर एक व्यक्ति में किस वजह से फैल रही है सो so, इसका जो रिसर्चर होते हैं यानी जो शोध करते हैं शोधकर्ता होते हैं आपके इन्होंने पहले इस समस्या का इस समस्या का आपके इन्वेस्टिगेशन का इस समस्या की आपकी जांच करी कि ये किस वजह से होता है तो रिसर्च भी इसीलिए हेल्प करती है कि क्योंकि हम हर एक प्रॉब्लम का इन्वेस्टिगेशन कर सके जो भी समस्या आ रही है उसका जांच कर सके सो so, इससे भी रिसर्च आपके रिलेटेड होती है इससे भी आपके अनुसंधान का संबंध होता है कि किसी भी समस्या की जांच करना सो so, याद रखिए किसी भी समस्या का समाधान निकालना किसी भी समस्या की... जांच करना और नए नए विचारों की खोज करना ये तीनों भी जो ऑप्शन दिए गए हमें जो तीनों भी विकल्प दिए गए हैं ये अनुसंधान से संबंध यानी ये रिसर्च से रिलेटेड है सो so, इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी ऑल दी, दी अब यानी उपयुक्त सभी अगला प्रश्न शोध करने का उद्देश्य क्या है वॉट इज द पर्पज ऑफ डूइंग रिसर्च इस प्रश्न में पूछ रहा है कि शोध करने का आपका उद्देश्य क्या है मतलब आप रिसर्च जो परफॉर्म करते हो उसका पर्पज क्या होता है यानी आप बेसिकली शोध क्यों परफॉर्म करते हो उसका उद्देश्य क्या होता है इसका एम क्या होता है इसका पर्पस क्या होता है हमें ये पता करना है इस प्रश्न में जैसे कि हमने पिछ, पिछला प्रश्न सॉल्व करा उसी का हमें एप्लीकेशन पूछा जा रहा है इस प्रश्न में यानी जो हमने पिछला प्रश्न सॉल्व किया उसी का हमें उपयोग पूछा जा रहा है सो so अगेन हम एक एक कर सारे विकल्पों को देखेंगे और पता लगाएंगे कि इस प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या होगा सो so, यहाँ पर आपको ऑप्शन ए दिया गया है टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम यानी समस्या की पहचान करने के लिए आप रिसर्च करते हो इस यही पर्पस होता है सो यस आपको जो रिसर्च होती है रिसर्च का जो मेन एम होता है जो उद्देश्य होता है जो पर्पस होता है यही होता है कि किसी भी समस्या का पहचान करना किसी भी समस्या को पहचानना किसी भी प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन करना अब जैसे वही हम लेंगे अगेन एग्जांपल क्योंकि बहुत फेमस एग्जांपल है और इजीली समझ में आ जाती है लोगों को क्योंकि एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है क्योंकि ये घटना ऐसी थी कि सबके साथ हो चुकी है इसलिए मैं बार बार यही एग्जांपल ले रही हूँ जैसे कोविड कोविड ये 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 जो जो है, ये, sorry, ये जो है, सॉरी इसको जब न्यू आई थी इसको रिसर्चर ने पहले आइडेंटिफाई करा ये एक प्रॉब्लम थी हमारे लिए एक समस्या थी सो so, इसका समस्या का पहले हमने पहचान किया कि ये समस्या है क्या फिर उसके अगेंस्ट हमने उसको कुछ एक्शन लिया पहले तो हमें जो भी प्रॉब्लम आती है पहले हमें उसको पहचानना पड़ेगा पहले उसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा तभी तो आप उसका सोल्यूशन निकालोगे उसका कुछ समाधान निकालोगे सो so, पर याद रखिएगा जब भी आप रिसर्च करते हो तो so, रिसर्च का मेन पर्पस होता है आपके शोध का मेन उद्देश्य ये होता है कि आप आपके जो प्रॉब्लम होती है रिसर्च में जो समाधान होती है सॉरी जो समस्या होती है उसकी आपको पहचान करना बहुत जरूरी होता है आप पहले उसको पहचान करोगे फिर उसके बारे में उसका कुछ उसके अगेंस्ट एक्शन लोगे सो so, यहाँ पर जो आपको विकल्प ए दिया गया है इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा उसी तरीके से ऑप्शन बी टू फाइंड दिस सोल्यूशन यानी समाधान खोजने के लिए यस yes, क्योंकि जब भी प्रॉब्लम अकर होती है जैसे कोविड ही अकर हो गया कोविड अकर हो गया था तो रिसर्चर ने इसको पहले पहचाना इसके अगेंस्ट कुछ इंफॉर्मेशन जनरेट करी कुछ नॉलेज गेन करा कि ये डिसीज होती क्या है किस वजह से ये ह्यूमन बॉडी में फैल रही है किस वजह से ये हर एक व्यक्ति में एक एक कर कर आ रही है इसको पहले रिसर्चर ने कुछ पढ़ा इसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करी ज्ञान इकट्ठा करी देन ज्ञान को इकट्ठा करने के बाद उसके अगेंस्ट एक्शन लिया और इस प्रॉब्लम को इस समस्या को सॉल्व uh, करा इस समस्या का समाधान निकाला सो so, रिसर्च हम इसीलिए करते हैं रिसर्च का मेन पर्पस और उद्देश्य यही होता है कि किसी भी समस्या का समाधान खोजना यानी किसी भी समस्या का पहचान करना और उसका समाधान को खोजना सो so, इस प्रश्न का आपका बी भी, भी सही उत्तर हो जाएगा सो so, इसी तरीके से आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी यानी ए और बी दोनों भी विकल्प इस प्रश्न के सही उत्तर हो जाएंगे अगला प्रश्न वॉट इज रिसर्च शोध क्या है इस प्रश्न में हमें यह पता लगाना है कि शोध की परिभाषा क्या है यानी रिसर्च की डेफिनेशन क्या है सो याद रखिएगा, जैसे हमने टू टू थ्री क्वेश्चन में हमने सिर्फ और सिर्फ रिसर्च की डेफिनेशन को सॉल्व करा है तो याद रखिए एग्जाम में रिसर्च की डेफिनेशन पर और शोध की परिभाषा पर कंपलसरी आपको एक प्रश्न और एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि रिसर्च की डेफिनेशन क्या होती है और रिसर्च की थ्री टू फोर और भी ज्यादा डेफिनेशन होती है तो आपको पता होना चाहिए कि रिसर्च की क्या क्या डेफिनेशन होती है क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे डेफिनेशन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं सो मेनली जो ज्यादातर जो पी एच डी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ज्यादातर डेफिनेशन पूछी जाती है वो सारी मैंने इस वीडियो में कवर कर रखी है तो आप ये वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आपके कंपल्सरी एक क्वेश्चन आप आपके एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे तो चलिए हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो जैसे कि हम हर एक विकल्प को देखेंगे और बताएंगे कि इस प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या होगा सो so, यहाँ पर विकल्प ए बता रहा है कि बार बार खोज करना यानी सर्चिंग अगेन एंड अगेन आप किसी चीज के बारे में उसको बार बार खोज कर रहे हो और किसी चीज को आप बार बार सर्च कर रहे हो तो क्या हम उसे रिसर्च करेंगे जैसे मान लीजिए बेस्ट एग्जाम्पल है कि आप कोई डिक्शनरी देख रहे हो डिक्शनरी में आप किसी एक शब्द का अर्थ ढूंढ रहे हो ओके यानी डिक्शनरी में आप किसी एक वर्ड है उसका मीनिंग ढूंढ रहे हो मीनिंग फाइंड आउट कर रहे हो तो क्या हम उसे रिसर्च कहेंगे आप एक वर्ड डी लिए आपने और उसको आप बार बार खोज रहे हो उस वर्ड का और उस शब्द का अर्थ आप बार बार खोज रहे हो So, इसे क्या हम रिसर्च कहेंगे? नहीं क्योंकि आप कुछ न्यू चीज नहीं जनरेट कर रहे हो उससे, सर्चिंग अगेन एंड अगेन इसे हम रिसर्च नहीं कहेंगे so, पर जो आपका विकल्प दिया गया है ये गलत उत्तर हो जाएगा उसी तरीके से ऑप्शन बी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन यानी जानकारी का संग्रहण यानी जैसे मान लीजिए आप कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो इंटरनेट के थ्रू आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो मान लीजिए आप रिसर्च की डेफिनेशन ही फाइंड आउट कर रहे हो यानी शोध की परिभाषा ही आप तलाश कर रहे हो उसका खोज कर रहे हो इंटरनेट से तो आप अगर ऐसा कर रहे हो तो क्या मैं आप ऐसा कहोगे कि मैं आपको क्या आपने रिसर्च किया नहीं क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो कई जगह से आप ढूंढ सकते हो बहुत सारे सोर्सेज होते हैं इन्फॉर्मेशन को ढूंढने के लिए जैसे आप इंटरनेट से फाइंड आउट करोगे या फिर आप किसी बुक से ढूंढोगे या फिर आप कोई वर्ड है उसका मीनिंग ढूंढ रहे हो डिक्शनरी से So, यहाँ पर बहुत सारे सोर्सेज आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो सो so, अगर आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर कर रहे रहे यानी जानकारी का संग्रहण तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आपने शोध किया या फिर ये आपकी रिसर्च की डेफिनेशन नहीं होगी सो so, पर जो आपका विकल्प बी दिया गया है ये गलत है इसी तरीके से विकल्प सी वर्किंग इन अ साइंटिफिक वे टू सर्च फॉर ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम सो देखिए आप यहाँ पर अगेन साइंटिफिक वर्ड आ रहा है यानी किसी भी समस्या की सच्चाई को खोज किस तरीके से करना है हमें वैज्ञानिक तरीके से करना है सो so, आप क्या कर रहे हो कोई भी एक प्रॉब्लम आ रही है आपकी जैसे मान लीजिए अगेन हम कोविड का ही एग्जाम्पल लेते हैं कोविड कोविड आ गया सो so, एक प्रॉब्लम थी हमारे लिए ये एक समस्या थी अभी इस समस्या का हमें समाधान बताना था तो हमने इस समस्या का समाधान जो रिसर्चर थे हमने इस समस्या का समाधान किस चीज से निकाला था वैक्सीन जनरेट कर कर सो so, वैक्सीन किस बेसिस पर जनरेट करी गई थी साइंटिफिक वे से यानी वैज्ञानिक तरीके से जो वैक्सीन है वो डेवलप करी गई क्योंकि उसके पीछे बहुत सी साइंस है साइंटिफिक वे क्या होता है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आपको यूज करना होता है लॉजिक्स यूज करना होता है आपको हर एक वे से देखना होता है क्या कुछ उसके साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे ओके okay, ये वैक्सीन जो है ये कोविड को तो किल करेंगे लेकिन उसके आपको साइड इफेक्ट्स देखने होते हैं सो so, ये आप सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक वे से ही परफॉर्म कर सकते हो सो so, याद रखिए किसी भी समस्या का समाधान हम रिसर्च में फाइंड आउट करते हैं और किस तरीके से वैज्ञानिक तरीके से आपको याद रखना है ना साइंटिफिक वे सो अगेन साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक यहाँ पर शब्द

परफॉर्म करते हैं यानी रिसर्च में हम कौन से एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं सो so, हम एक एक कर, कर सारे विकल्प देखेंगे सो विकल्प ए रूटीन एक्टिविटी यानी नियमित गतिविधि तो रूटीन एक्टिविटी क्या होती है जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है वो सुबह उठ रहा है बात ले रहा है ब्रेकफास्ट कर रहा है देन स्कूल जा रहा है सो so, यहाँ पर वो एक रूटीन परफॉर्म कर रहा है सो so, एक रूटीन यानी जो हम डेली लाइफ में परफॉर्म करते हैं हम उसे कहते हैं रूटीन एक्टिविटी जो हम डेली रोज रोज परफॉर्म करते हैं एक्टिविटी उसे हम कहते हैं गतिविधि सॉरी नियमित गतिविधि, पर रूटीन एक्टिविटी पे रिसर्च कर सकते हैं लेकिन हमें इस क्वेश्चन में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चन जो ज्यादा रिलेटेड ऑप्शन होगा वही हमें टिक मार्क करना है सो so, यहाँ पर जो आपका विकल्प A दिया गया है ये रॉन्ग है इस तरीके से विकल्प भी एनिमल एक्टिविटी यानी वर्ष गतिविधि एनुअल यानी वर्ष हर एक वर्ष में वर्ष में एक बार जो करते हैं हम ईयर में एक बार जो करते हैं उसे हम कहते हैं एनुअल एक्टिविटी लेकिन इस पर भी हो सकता है लेकिन इस क्वेश्चन का ये अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है ये ज्यादा रिलेटेड आंसर नहीं है इसी तरीके से ऑप्शन सी ओकेजनल एक्टिविटी यानी समयसिक गतिविधि ओकेजनल यानी समटाइम्स जो हम कभी कभार करते हैं तो यहाँ पर इस पर भी रिसर्च होती है लेकिन ये भी इस क्वेश्चन का अप्रोप्रिएट और इस प्रश्न का ये

फैक्ट है वो रियलिटी है सो so, उसके अगेंस्ट हम उसके सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे उस फैक्ट को उस रियालिटी को फाइंड आउट करना ये होता है रिसर्च तो so, इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अगला प्रश्न आप अनुसंधान प्रक्रिया को कैसे परिभाषित करेंगे हाउ वुड यू डिफाइन द रिसर्च प्रोसेस इस प्रश्न में हमें पता लगाना है कि अनुसंधान प्रक्रिया की परिभाषा क्या होगी यानी रिसर्च प्रोसेस की डेफिनेशन क्या होगी सो रिसर्च प्रोसेस यानी अनुसंधान प्रक्रिया ये क्या होता है सो so, अनुसंधान प्रक्रिया जिसमें आप अलग अलग चरण और चरणें यूज कर कर आप आपके जो रिसर्च के जो फाइंडिंग्स है यानी आपके रिसर्च के जो रिजल्ट है उसको कैरिड आउट करते हो यानी रिसर्च के जो परीक्षण है उसको बताते हो रिजल्ट क्या आ रहा है आपका यानी रिसर्च प्रोसेस क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स आप फॉलो कर, कर बताते हो कि आपके रिजल्ट क्या आएंगे ओके, okay, उसे so, हम कहते हैं रिसर्च प्रोसेस so, हम एक एक कर सारे विकल्प देख लेते हैं ऑप्शन कलेक्ट करते हो क्या इसे हम रिसर्च प्रोसेस कहेंगे सिर्फ डेटा कलेक्ट कर रहे हो आप यानी अनुसंधान में आप क्या कर रहे हो डेटा एकत्र कर रहे हो सो so, उसे हम कहेंगे अनुसंधान प्रक्रिया है नहीं इससे यहाँ पर आपका विकल्प गलत हो जाएगा इसी तरीके से हम पहले विकल्प सी देखेंगे मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग रिसर्च रिजल्ट यानी शोध के परिणाम प्रस्तुत करने के लिए एक विधि सो यस आप यहाँ पर क्या कर रहे हो शोध के परिणाम फाइंड आउट कर रहे हो यानी रिसर्च के रिजल्ट फाइंड आउट कर रहे हो और सिर्फ रिसर्च के जो तो आपने रिजल्ट फाइंड आउट करा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या बता रहे हैं हमें रिसर्च के आप क्या कर रहे हो रिजल्ट को प्रेजेंट कर रहे हो बता रहे हो तो सिर्फ रिसर्च के जो रिजल्ट आ रहे हैं उसे हम कहेंगे कि रिसर्च प्रोसेस यानी आपके जो शोध है उसके परिणाम को ही कहेंगे कि आप अनुसंधान प्रक्रिया नहीं सो तो ये इनकम्प्लीट आपकी डेफिनेशन हो जाएगी जो कम्प्लीट डेफिनेशन हो जाएगी आपकी रिसर्च प्रोसेस की यानी आपके जो अनुसंधान प्रक्रिया की ये आपको विकल्प बी में दिया गया है सो so, इस प्रश्न का विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा सो so, विकल्प बी में क्या हमें क्या बताया गया है द स्टेजेस और स्टेप्स द रिसर्च फॉलोस इन कैरिंग आउट अ रिसर्च प्रोजेक्ट यानी अनुसंधान परियोजना के अंजाम देने के लिए शोधकर्ता जिन चरण और चरणों का अनुसरण करते हैं मतलब मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में ही बताया रिसर्च प्रोसेस क्या होती है डिफरेंट डिफरेंट चरण अलग अलग चरणों को यूज कर कर अलग अलग चरणों का उपयोग कर कर रिसर्चर जो अपने रिसर्च के रिजल्ट फाइंड आउट कर, करते हैं जो परिणाम फाइंड आउट करते हैं उसे हम कहते हैं रिसर्च प्रोसेस या फिर अनुसंधान प्रक्रिया सो so, ये स्टेप्स क्या होते हैं रिसर्च प्रोसेस में जो स्टेप्स होते हैं ये स्टेप्स क्या होते हैं सो so, यहाँ पर मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताया है सो प्रॉब्लम डेफिनेशन मतलब आपकी जो समस्या है आप पहले समस्या को बताओगी ये सारे कुछ स्टेप्स है सो so, इस, आगे, आगे so, so, इस प्रश्न के लिए आपको बस इतना याद रखना है फर्स्ट स्टेप में क्या करते हो पहले चरण में आप क्या करोगे आपकी जो समस्या है उसको बताओगे यानी प्रॉब्लम का प्रॉब्लम डेफिनेशन आपके बताओगे जिस प्रॉब्लम रिसर्च कर रहे हो देन डेटा कलेक्शन आप डेटा को एकत्र करोगे डेटा को कलेक्ट करोगे नेक्स्ट स्टेप में देन उस डेटा को आप एनालाइज करोगे उस डेटा का आप um, एनालाइज करोगे ओके okay, परीक्षण करोगे उस डेटा का आप देन कंक्लूजन आप फाइंड करोगे एंड लास्ट आप उसका परीक्षण यानी रिजल्ट फाइंड आउट करोगे तो ये सारे स्टेप्स मिलाकर आप इसे कहते हो रिसर्च प्रोसेस ना कि सिर्फ डेटा कलेक्ट करने को और ना ही सिर्फ रिजल्ट फाइंड आउट करने को बल्कि सारे जो एकत्र ये सारे चरणों को हम कहते हैं अनुसार प्रक्रिया सो so, इस प्रश्न का आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी अगला प्रश्न व्हाट इज द पायलट स्टडी एक पायलट अध्ययन क्या है सो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पायलट स्टडी यानी पायलट अध्ययन का मतलब क्या होता है सो याद रखिएगा पायलट स्टडी में ना आपके पायलट इन्वॉल्व होते हैं ना ही आप एयरप्लेन के बारे में स्टडी कर, करते हैं यानी पायलट के बारे में आप कोई अध्ययन नहीं करते और ना ही किसी हवाई जहाज के बारे में आप कोई अध्ययन करते हैं सो इस प्रश्न का ऑप्शन बी यानी विकल्प बी और सी इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएंगे उसी तरीके से इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एक छोटे पैमाने पर प्रारंभिक अध्ययन अ स्मॉल स्केल प्रीलिमिनरी स्टडी अब स्मॉल स्केल प्रीलिमिनरी स्टडी क्या होती है मतलब आप एक छोटे पैमाने पर पहले कुछ अध्ययन करके देखोगे कि वो सक्सेसफुल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है उससे आपको पता चल जाएगा कि इस स्टडी की फिजिबिलिटी है या नहीं बेसिकली पायलट स्टडी इसलिए लिए करते हैं हम ताकि हम देख सके स्टडी तो का फिजिबिलिटी क्या है क्या वो स्टडी फिजिबिलिटी होगी मतलब हमें एक आ, आ, उदाहरण के थ्रू जानेंगे एग्जाम्पल के, के थ्रू जानेंगे मान लीजिए गवर्नमेंट 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 स्कूलों में स्कूल्स में स्कूल्स मिड डे प्रोग्राम लॉन्च करना चाहती है ओके मिड डे मील प्रोग्राम लॉन्च करना चाहती है सो so, मिड डे मील क्या होता है आपको पहले ये पता होना चाहिए मिड डे मील मतलब एक भोजन कराया जाता है विद्यार्थियों को ताकि वो स्कूल की तरफ उनका डायरेक्शन हो वो स्कूल की तरफ आए यानी स्टूडेंट्स को एक मील प्रोवाइड किया जाता है यानी एक वक्त का उनको खाना दिया जाता है स्कूलों में ताकि वो स्कूल की तरफ आए उनका एजुकेशन की तरफ अट्रैक्ट हो सो so, यहां पर गवर्नमेंट को इस प्रोग्राम पर स्टडी करना है जो कि है मिड डे मील यानी एक टाइम का उनको खाना प्रोवाइड किया जाता है सो so, यहां पर इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल होने के लिए यानी क्या इस प्रोग्राम से लॉन्च करने पर स्टूडेंट्स आ रहे हैं या फिर नहीं स्कूल में ये देखने के लिए गवर्नमेंट ने यह प्रोग्राम का एक स्मॉल स्केल पर गवर्नमेंट स्टडी करेगी मान लीजिए कोई स्मॉल डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक में गवर्नमेंट ने एक स्कूल है उसमें मिड डे मील प्रोग्राम लॉन्च कर कर देखा तो so यहाँ पर गवर्नमेंट को यह पता चल रहा है कि मिड डे मील प्रोवाइड करने से जो स्टूडेंट्स है वो एजुकेशन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे स्कूल की तरफ आ रहे हैं ज्यादा जो विद्यार्थी है वो स्कूलों की तरफ आ, आ रहे हैं स्कूल में पढ़ने के लिए आ रहे हैं सो so, इससे पता चलता है कि ये प्रोग्राम सक्सेसफुल है सो so, इससे क्या करेंगे गवर्नमेंट और आ, सिटीज में भी जो स्कूल है उनमें भी मिड डे मील प्रोग्राम लॉन्च करना स्टार्ट कर देंगे यानी मिड डे मील प्रोग्राम सॉरी ये पायलट स्टडी का मतलब क्या होता है कि जो स्मॉल स्केल पर पहले एक छोटे पैमाने पर अध्ययन परफॉर्म किया जाता है अगर वो सक्सेसफुल होता है तो ही उसे लार्ज स्केल पर परफॉर्म करेंगे सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एक छोटे पैमाने पर प्रारंभिक अध्ययन या स्मॉल स्केल प्रीलिमिनरी स्टडी अगला प्रश्न व्हिच ऑफ दी फॉलोइंग ऑप्शंस आर दी मेन टास्क ऑफ रिसर्च निम्नलिखित में से कौन से विकल्प शोध के मुख्य कार्य है सो so, इस प्रश्न में हमें पता लगाना है कि शोध के मुख्य कार्य हमें किस विकल्प में दिए गए हैं यानी uh, इस प्रश्न में हमें यह पता लगाना है कि रिसर्च के मेन टास्क हमें किस ऑप्शंस में गिवन है सो so, हम एक-एक करके सारे ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन ए टू लर्न न्यू थिंग्स Yes, नई चीजों के बारे में कुछ सीखना अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोविड डिसीज जब आई थी तो रिसर्चर ने उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन ली उस रिसर्चर को किसी को भी नहीं पता था कि कोविड क्या है पहले तो रिसर्चर ने उसके बारे में नई नई इंफॉर्मेशन जनरेट करी कुछ सीखा है कुछ नया सीखा होगा उसके थ्रू so, थ्रूस रिसर्च का मेन टास्क ही होता है कि हम नई नई चीजें सीखते रहते हैं सो so, इस प्रश्न का आपका विकल्प ए सही हो जाएगा उसी तरीके से विकल्प भी रिसर्च गिव द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन यानी अनुसंधान आपको नवीनात्मक जानकारी देता है ऐसे यहाँ पर आपका विकल्प भी सही हो जाएगा क्योंकि रिसर्च जो है आपको लेटेस्ट जो नवी नवी इंफॉर्मेशन है ये आपको आपकी जानकारी देता है जैसे मान लीजिए आईफोन है हर ईयर में आईफोन लॉन्च होते रहता है तो आपको पता होगा आईफोन में जो रिसर्चर्स होते हैं जिन्होंने आईफोन जनरेट आईफोन लॉन्च करते तो हर आईफोन में आपको कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट देखने मिलेगा उसके फीचर्स में पिक्सल में तो कुछ ना कुछ आपको नया देखने मिलता है सो तो, यस रिसर्च के ही बेसिस पर हम आईफोन को डिजाइन करते हैं तो पर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है रिसर्च में ये भी सही है उसी तरीके से ऑप्शन सी रिसर्च हेल्प विद प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी अनुसंधान समस्या समाधान में मदद करता है सो तो अभी तक हमने हमने जितने भी प्रश्न प्रश्न को सॉल्व किए हर एक में हमें हमने यही देखा है कि रिसर्च का मेन टास्क जो मेन आपका हो गया जो इंपॉर्टेंट टास्क होता है यही होता है कि समस्या का समाधान निकालना तो इस प्रश्न का आपका विकल्प सी भी सही हो जाएगा और इस इस ऑप्शन क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी यानी ऑल दी अब सारे यहाँ पर विकल्प आपके सही होंगे सारे ये भी मेन टास्क होते हैं आपके यानी मुख्य कार्य होते हैं शोध के अगला प्रश्न द डेप्थ ऑफ रिसर्च कैन बी डन बाय शोध की गहराई का अंदाजा किसे लगाया जा जा सकता है। so, इस में जा है में पूछा रहा कि शोध की गहराई रिसर्च की जो डेप्थ है उसका अंदाजा किससे किस ऑप्शन से, किस से लगाया जा सकता है सो so, हम एक-एक कर सारे ऑप्शन देख लेंगे सो so, यहाँ पर आपको ऑप्शन ए दिया गया है टाइटल ऑफ द रिसर्च वर्क यानी शोध कार्य का शीर्षक अभी टाइटल यानी रिसर्च का कुछ टाइटल है आपने जो भी आपके रिसर्च में वर्क किया उसका कुछ टाइटल यानी जिस प्रॉब्लम पर आप रिसर्च कर रहे हो जो टाइटल है आपके रिसर्च का जो शीर्षक है अब मान लीजिए आपके रिसर्च का शीर्षक ये है कि आप किसी ड्रग पर काम कर रहे हो जैसे मान लीजिए आप, आप आप कोई डिसीज है जैसे मान लीजिए लंग डिस है लंग डिज के अगेंस्ट आप कोई ड्रग फॉर्म कर रहे हो सो आप कोई एक्स वाई जेड कोई ड्रग है उस ड्रग पर आप काम कर रहे हो

टाइटल को देखकर आप किसी भी रिसर्च के वर्क को जज नहीं कर सकते तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन है इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसी तरीके से हम डायरेक्टली ऑप्शन सी देखेंगे टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ रिसर्च यानी अनुसंधान का कुल खर्च यानी अनुसंधान का आपका जो भी खर्च आ रहा है जो भी एक्सपेंडिचर है जितना भी आपने मनी एक्सपेंड एक्सपेंड किया जैसे मान लीजिए आपने Uh, कोई रिसर्च है, uh, है और नहीं कहूंगी में, में वही अच्छी होगी ऐसा हम नहीं कह सकते हैं सो so, यहाँ पर आप कोई डिफरेंस नहीं कह सकते कि जिसमें ज्यादा पैसा लगे वही अच्छा हो गया ऐसा भी होता तो हो सकता है ये रिसर्च भी तो अच्छी हो सकती है जिसमें फिफ्टी थाउजेंड स्पेंड किया है सो so, हम याद रखिए किसी भी जो रिसर्च की गहराई का अंदाजा उसके कु कुल खर्च से नहीं लगाया जाता है उसी तरीके से ऑप्शन डी ड्यूरेशन ऑफ रिसर्च यानी शोध शोध की की अवधि अवधि अब किसी ज्यादा होती है और किसी शोध की अवधि कम होती है किसी शोध का ड्यूरेशन ज्यादा होगा किसी का कम होगा जैसे मान ली लि, मान लीजिए कोई रिसर्च थ्री इयर्स में कंप्लीट हो जाती है कोई ईयर्स सिक्स कोई कुछ रिसर्च सिक्स इयर्स में कुछ इयर्स कुछ रिसर्च फाइव इयर्स में ही कंप्लीट हो जाती है तो इससे आप नहीं कहोगे कि जो थ्री इयर्स वाली रिसर्च है ये इतनी अच्छी नहीं है लेकिन फाइव इयर्स वाली जो रिसर्च है ये ज्यादा अच्छी होगी ऐसा आप नहीं कह सकते हो क्योंकि ड्यूरेशन की वजह से आप नहीं बता सकते जैसे ये मान लीजिए मैंने इस ड्रग पर फाइव इयर्स में मैंने इस रिसर्च को कंप्लीट करा ड्रग पर जो मैं रिसर्च करी तो आप कहोगे कि कि मैंने जो भी काम किया उसमें उससे आपका आइडिया लग जाएगा कि वो अच्छी रिसर्च होगी या फिर उसके डेप्थ को उसकी गहराई को आप जांच पाओगे कि नहीं सो यहाँ पर आपका विकल्प भी गलत हो जाएगा और इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी शोध के उद्देश्य रिसर्च के ऑब्जेक्टिव तो आपको रिसर्च के ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए रिसर्च के ऑब्जेक्टिव क्या है जैसे मान लीजिए मैंने इस ड्रग पर काम किया तो ऑब्जेक्टिव क्या कहेंगे कि मैंने क्यों काम किया इसका गोल क्या था इसका एम क्या था क्या मेरे जो ड्रग से मुझे जो आ, रिजल्ट मिला यानी मैंने इस ड्रग्स पर मैंने काम किया ड्रग इस ड्रग पर इस दवाई पर काम करने के बाद मुझे जो परिणाम मिल रहे थे मुझे जो रिजल्ट मिल रहे थे उसके सो तो उससे मैं ये बताऊंगी कि सोसाइटी के लिए वो कैसे हेल्पफुल हो सकती है ड्रग सो तो ये होते हैं ऑब्जेक्टिव सो तो ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर आप बता सकते हो कि वो अपने जो रिसर्च है उसकी गहराई का आप अंदाजा लगा सकते उसकी डेप्थ का आप अंदाजा लगा सकते हैं सो तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च एंड शोध का उद्देश्य सो आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ जाए क्योंकि इस लेक्चर में मैंने डीप में आपको बताया है रिसर्च के बारे में सो so, आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए सो so, आप रिसर्च पर जो भी आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आप इजिली इसको सॉल्व कर पाओगे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो